ये सेट थ्री का क्वेश्चन नंबर 18 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18 के पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति का वर्णन करने वाली वस्तु के त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए इसमें क्या है, ये निर्देश वृत्त है। इस निर्देश वृत्त में बता देते हैं, ये त्रिज्या है ए, और ये कण जो है यहाँ पर पी, जो मतलब कण जो है गति कर रहा है, वो वृत्त की परिधि पर गति कर रहा है, और प्रक्षेप का नाम यहाँ पर एन है। अब इसका देखिए त्वरण का हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है चूँकि निर्देश वृत्त का कण P वृत्त की परिधि पर गति कर रहा है, अतः इस पर अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होगा। हम जानते हैं कि कोई भी कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर उत्पन्न त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है, और अभिकेंद्रीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए बराबर वी स्क्वायर बाय आर, तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ त्रिज्या के जगह पे ए है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सूत्र जो लिखेंगे वी स्क्वायर बाय ए लिखेंगे, और संकेत में ए का उपयोग अभी नहीं करेंगे, लास्ट में उसका किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर लिए, त्वरण आरोपित होता है जिसका परिमाण हो जाएगा वी स्क्वायर बाय ए। यहाँ पर बार बार आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि त्रिज्या के जगह पर ए लिया गया है। अब कह रहा है इसकी दिशा जो होती है केंद्र की ओर होती है। देखिए इस त्वरण की दिशा को हम यहाँ वेक्टर साइन से दिखाए हैं इस जगह, और ये इसका वी स्क्वायर बाय ए जो है त्वरण की दिशा को दर्शा रहा है, और यहाँ से यहाँ वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो ये वाला इसके बराबर है, इसलिए यहाँ पर दोनों त्रिज्या ही है ए। अब यहाँ देखिए इस त्वरण को दो घटक में विभाजित किया गया। हम लोग जानते हैं कि किसी सदिश को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, दो या दो से ज़्यादा घटक में, तो यहाँ पहला घटक में तोड़े हैं हम उस त्वरण को, हम लोग विभाजित किए हैं। तो पीएन के अनुदिश, पीएन देखिए पीएन ये है, तो पीएन के अनुदिश अगर हम घटक लिखते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा, और पीएन के लंबवत, पीएन ऐसा है तो इसके लंबवत अगर लिखेंगे तो वी स्क्वायर बाय ए साइन थीटा, इसका दूसरा घटक है। घटक वी स्क्वायर बाय ए जो है, वी स्क्वायर बाय ए साइन थीटा जो है प्रक्षेप एन की गति की दिशा में है, प्रक्षेप एन जो है इसकी गति की दिशा में है, ये वी स्क्वायर साइन थीटा वी स्क्वायर बाय ए साइन थीटा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये अंदर की ओर आता है, इसकी दिशा अंदर की ओर आती है यानी ओ की तरफ आती है। ये लिखा हुआ है कि वी स्क्वायर बाय ए साइन थीटा प्रक्षेप एन की गति की दिशा में ओ वाई के समांतर, ओ से लेकर जो वाई है ये ओ वाई, इस ओ वाई के समांतर यानी इस तरफ, तो कह रहा है अर्थात साम्य स्थिति ओ की ओर, केंद्र जो है ओ उसकी तरफ आएगा। अब कह रहा है अतः n के त्वरण के बराबर जो सरल आवर्त गति करने वाले कण का त्वरण होगा, n के त्वरण के बराबर है, n के त्वरण के बराबर यानी n को प्रक्षेप पे माना गया है, इसका जो त्वरण के बराबर होगा और वो त्वरण का मान जो होगा वो सरल आवर्त गति करने वाले कण के त्वरण के बराबर होगा। ये आप लोगों को समझने के लिए है, अगर आप शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो ये सारा छोड़ करके यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि अतः सरल आवर्त गति में कण का त्वरण, अगर आप इतना नहीं भी लिखे तो चलेगा, लेकिन ये लिखने से क्या होता है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है आपका तो आपका पूरा नंबर मिलेगा, नंबर कटने का चांस कम होगा। तो ए बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय ए साइन स्क्वायर थीटा। अब कह रहा है ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है, विपरीत दिशा में दर्शाएगा। अभी यहाँ बताए हम आपके कि अतः एन के त्वरण के बराबर है जो सरल आवर्त गति में, यहाँ पर लिखवाएं देखिए समांतर, लेकिन दिशा में इसके विपरीत है, तो वही विपरीत दिशा को दर्शाने के लिए यहाँ पर माइनस दिया गया है। अब समकोण त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं पी एन ए, पी एन ओ, पी एन ओ में लेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्ण, तो वहाँ पे हम लोग जो लंब लिए हैं उसके लिए साइन थीटा का, तो ओ एन होगा और उसके कर्ण का नाम है ओ पी। ओ एन का मान देखिए हम छोटी वाई लिखे हैं इस जगह, बड़ी वाई को वाई एक्सिस के तौर पर दर्शाया गया है, यहाँ छोटी वाई है, और ओ पी जो है त्रिज्या है जो इसलिए ए लिखे हैं। ए क्या है, निर्देश वृत्त की त्रिज्या है अभी बताए, और y जो है वह y जो है n कण का क्या है विस्थापन है, यानी साम्य स्थिति से जो इस पॉइंट तक आया वो उसका विस्थापन y कहलाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए पीछे वाला, देखिए पीछे वाला में हम लोग अभी जो त्वरण निकाले थे उसको अल्फा से सूचित किए हैं, तो अल्फा बराबर भी माइनस भी स्क्वायर बाय ए साइन थीटा। अब यहाँ पे त्वरण का जो हम यही वाला चीज़ यहाँ उतार लिए, उसके बाद हम लोग जो यहाँ निकाले थे साइन थीटा बराबर वाई बाय ए, तो यहाँ y बाय ए लिखे हैं, अब यही y बाय ए साइन थीटा का मान इस जगह हम लोग रख देंगे, तो वी स्क्वायर बाय ए हुआ, और इस साइन थीटा हटने के बाद y बाय ए, ए इसके साथ गुना हो गया तो ए स्क्वायर, और नीचे हो गया y बगल में। अब यहाँ दोनों का अगर होल स्क्वायर है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद देखिए यहाँ अल्फा, अल्फा बराबर है यहाँ वी बाय ए का
स्क्वायर वाई। अब यहाँ चूंकि हम लोग जानते हैं कि भी बराबर ओमेगा आर होता है फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए यहाँ आर के जगह पे हम लोग देखें वहाँ ए लिए हैं, तो भी बराबर ओमेगा ए होगा। और अगर हम लोग यहाँ निकालना चाहें भी बाय ए, यानी आप इसको इस साइड ले आए, तो यहाँ होता है ओमेगा इसी से, ठीक है। देखिए भी ओमेगा आ जाएगा नीचे, ए आ जाएगा नीचे, तो ओमेगा बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, अल्फा बराबर माइनस इसका वैल्यू रख देंगे ओमेगा वाई। तो ये आपका हो गया त्वरण, यानी सरल आवत गति में त्वरण के लिए व्यंजक। अब इसी में आपको निकालना है दूसरा नंबर में बल, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है आगे कि सरल आवत अतः सरल आवत गति के बल का नियम लिखना है, बल का केवल सूत्र लिख देना है। दूसरा है बल के लिए एफ बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं एम ए, तो एम और ए, यहाँ ए का मान होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस आगे चला जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर वाई, ये बल का हो गया। ये बी नंबर का आंसर हो गया आपका, और ये हो गया ए नंबर का, ठीक है। बस आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और एग्ज़ाम दीजिए।